नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में मुसीबतों की बारिश, मालवानी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, हादसे में 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी तो 15 को किया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने 5 दिन का जारी किया अलर्ट। देश में कंट्रोल में आ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में 93,828 नए संक्रमित मिले तो वहीं 1,48,000 हुए रिकवर। 15 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट अब भी 5% से ज्यादा। कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी, केंद्र सरकार ने सीटी स्कैन का समझदारी से इस्तेमाल करने के दिए निर्देश। 6 मिनट के वॉक टेस्ट की दी सलाह तो वहीं रेमडेसिविर देने पर लगाई रोक। राजस्थान में विकास कार्य हो रहे अनलॉक, राज्यपाल मिश्र और सीएम गहलोत करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विकास कार्यों का होगा वर्चुअल शिलान्यास। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, कल पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन, प्रदेश में सीएम गहलोत और डोटासरा करेंगे अगुवाई।